कुछ लोग छोटे छोटे चीजें करके जीवन बचाने का तो प्रयत्न करते हैं कि मेरा जीवन बच जाए, मैं अमर हो जाऊं। कल एक मेरे से मिलने आया था, उन्होंने बताया एक तांत्रिक इस प्रकार से क्रियाएं करता है कि वो पेड़ों के ऊपर क्रियाएं करता है और उनके प्राण खींच लेता है, बिना हाथ लगाए, बिना काटे, बिना कुछ भी किए, क्रियाएं की उनकी जो शक्तियां थी वो खींच ली और खुद ग्रहण कर ली, ताकि शरीर ताकतवर रहे, बूढ़ा ना हो, रोगी ना हो, आयु लंबी हो जाए। मैंने कहा ये तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई कि बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया, उन्होंने उनके साथ भी अच्छा नहीं किया। मैंने कहा देख लेते हैं उसको भी। ऐसा नहीं है कि संसार के अंदर ये छोटे मोटे दो चार सिद्धियां करने वाले सर्वे सर्वा हो गए। सर्वे सर्वा परमात्मा है इस धरा के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपर वो परम सत्ता है, और जो उसका ध्यान करते हैं आप लोगों की तरह से, वो इस ब्रह्मांड के अंदर उस ऊर्जा को जब पा लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं परम तत्व की ऊर्जा के साथ, तो जब जुड़ाव हो जाता है तो वो भी बहुत सी ताकतों को रोकने का काम कर सकते हैं। कर्म के ऊपर प्रभाव कर सकते हैं, जीवन के ऊपर प्रभाव कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। सिद्धियां कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन उससे जुड़ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुंडलिनी शक्ति जब तक नहीं उठेगी, जब तक वो परम तत्व परम सत्ता उसको उठाएगा नहीं, उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा नहीं, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो परम सत्ता वो परम शक्ति वो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, और कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर टकराती है फिर वापस मुड़ करके नीचे जाती है। जो वो ऊपर टकरा करके वापस नीचे जाती है, वो ताकत सब कमलों को चीरते हुए ध्यान एकाग्र हो करके शरीर में क्रियाएं होने लगती हैं, अपने आप सब क्रियाएं होने लगती हैं, योगिक क्रियाएं, श्वास के साथ साथ जीवा तक। लेकिन ये ध्यान का विषय है, ज्ञान का विषय है, अनुभव का विषय है। ये अनुभव जब तक आप नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। आपने भोजन से शक्ति ग्रहण की, अब उस ऊर्जा से शक्ति ग्रहण करने का प्रयास करें। जब आप
उस ताकत से, उस सत्ता से जुड़ जाओगे, फिर आपको ये जो चल रही है बाहरी विधियां, कहीं चूहे की पूजा करनी, कहीं सर्प की पूजा करनी, कहीं बैल की पूजा करनी, कहीं मोर की पूजा करनी, कहीं उल्लू की पूजा करनी, भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम जिस देवता की पूजा करोगे मैं उसी में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ा दूंगा। लेकिन आप वहीं रह जाते हो। ये साधनाओं की तरीके और पद्धतियां जब से बदली गई तब से आध्यात्म से लोग दूर चले गए, संसार में फंसते गए और परेशानियां बढ़ती चली गई, आत्मा से दूर हो गए, मोक्ष के मार्ग बंद हो गए और हम छोटी मोटी वस्तुओं को ही परमात्मा मान करके पूजा पाठ करने लगे। मैं तो कई बार आश्चर्य आता है कि कुछ लोग तो इस हद तक चले गए कि कोई रथ के आगे दीपक जला रहा है, कोई जूतों के आगे दीपक जला रहा है, कोई किसी मोटरसाइकिल के आगे दीपक जला रहा है कि कष्ट कट जाएंगे, कहाँ चली गई बुद्धि, कौन सी दुनिया में हो, क्या हो गया है, सही गलत तक की पहचान नहीं। एक तो होता है विवेक जागृत ना होना, एक होता है विवेक सो जाना, एक होता है विवेक मर गया है कि अब तो उम्मीद ही कम है विवेक जागने की। तो हमारा जो दौर चल रहा है, जिस समय हम हैं अभी, वहां यही स्थिति है कि समझ ही नहीं आता। करोड़ों लोग तो ये फैसला तक नहीं ले पाते कि हम सही हैं या गलत हैं, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या वो मार्ग सही है या मार्ग ही नहीं है, या ऐसे ही अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में खोज रहे हैं। और खोज किसको रहे हैं जब कुछ खोया ही नहीं है, बस दौड़ रहे हैं, विश्राम नहीं है, कहीं भी नहीं है। जब आध्यात्म में भी विश्राम नहीं होगा,
तो ऊपर जा करके आपको कौन विश्राम करने देगा? जब यही कल्याण नहीं होगा तो ऊपर जा करके कल्याण कौन करेगा आपका? क्या आज हम अगले जन्म के ऊपर छोड़ दें तो फिर अगले जन्म में कैसे कल्याण होगा?